फिर देखने को मिलेगी शाहरुख काजोल की जोड़ी। शाहरुख काजोल की जोड़ी बॉलीवुड की सफलतम जोड़ियों में से एक है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, करण अर्जुन, माय नेम इज खान, कभी खुशी कभी गम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में इस सुपरहिट जोड़ी के नाम है। अब ये जोड़ी रोहित शेट्टी की दिलवाले में दिखाई देगी। कई दिनों से चर्चा थी कि रोहित की फिल्म दिलवाले में शाहरुख, काजोल, वरुण धवन और कृति सेनन नजर आएंगे। अब रोहित ने ऑफिशियली इस पर मुहर लगा दी है। रोहित तेजी से काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो इस फिल्म की शूटिंग 20 मार्च से शुरू करेंगे और क्रिसमस पर इसे रिलीज कर देंगे। क्रिसमस पर संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी को भी रिलीज करने की घोषणा की गई है। संभवतः भंसाली अपनी फिल्म को आगे बढ़ा दें, क्योंकि सावरिया को शाहरुख की ओम शांति ओम के आगे रिलीज करने का परिणाम वे भुगत चुके हैं। चर्चा थी कि रोहित के दिलवाले हम या चलती का नाम गाड़ी का रीमेक होगी, लेकिन रोहित ने इससे इनकार किया है। रोहित के मुताबिक यह फिल्म ओरिजिनल स्क्रिप्ट है और किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं है। यह फिल्म एक्शन कॉमेडी है और फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। फिल्म के एक्शन दृश्य प्रमुख आकर्षण होंगे। इसके लिए रोहित स्टंट डायरेक्टर विदेश से बुला सकते हैं या फियर फैक्टर के स्टंट डायरेक्टर को भी अनुबंधित किया जा सकता है। दिलवाले शीर्षक हैरी बावेजा के पास था, जो उन्होंने खुशी खुशी रोहित को दे दिया। हैरी के भाई परमजीत बावेजा ने 1994 में अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन को लेकर दिलवाले बनाई थी। उम्मीद की जाती है कि रोहित और शाहरुख की जोड़ी वाली दिलवाले चेन्नई एक्सप्रेस की तरह एक सफल फिल्म देगी।